शीरो चलो बाहर आओ, नहीं नहाना नहीं है, बाहर आओ, ये नहाने के लिए बैठा है जबकि कुछ देर पहले ही नहाया है, इसको नहाने का बड़ा मन हो रहा है, चल शीरो चल, नहीं नहाना है शीरो चल, आजा नहला दूंगा अभी, अभी नहाया है थोड़ा देर पहले, शीरो काम, कैसा जिद्दी बच्चा है, शीरो काम, शीरो काम। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू क्रूजिंग लाइफ, आज का दिन है 11 तारीख मतलब 11 फरवरी और मैं शीरो और क्या हुआ बेटू, गली के कुत्तों को देख के शीरो रो रहा है, इसका भी मन हो रहा है खेलने का, शीरो अंदर आ जा बेटा, हाँ रो मत कुछ नहीं हो। तो मैं पापा और शीरो जा रहे हैं हैदराबाद, बहुत एक्साइटेड हैं, पहली बार मैं पापा के साथ इतनी दूर जा रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हैं, ये जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है, इस वक्त है अभी हम लोग न्यू अलीपुर में और जाते जाते हमें कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, पर अभी इस वक्त बज रही है 6:47। तो पापा चले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो ये है पहला टोल कोना एक्सप्रेस वे के लिए विद्यासागर सेतु का, क्यूट सा टोल है और 10 रुपये लेता है और भेज दो, फास्ट टैग रिचार्ज है तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग ऑफिस टाइम में निकले हैं ना, ऑफिस टाइम में निकले हैं बोल के थोड़ा ज़्यादा अपने को कंजेस्टेड रोड मिल गया। वेलकम टू हावड़ा, मैं गलती से ऊपर चला गया, ये दिल्ली हाईवे है, अरे वीडियो पे बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको कौन सिखा रहा है, बोल रहा हूँ ये वाला अगर आप राइट करके ये फ्लाईओवर पकड़ लिए तो आपको 6-7 किलोमीटर दूर जाना होगा और वहाँ से आपको यू टर्न करके आने मिलेगा, तो गलती से भी ये फ्लाईओवर मत पकड़ लेना, लेफ्ट होके चलना जब भी संतरागाछी से आप टूवर्ड्स जा रहे हो खड़गपुर। तो दोस्तों शहर से हम निकल चुके हैं और आ चुके हैं हाईवे पे बॉम्बे रोड यस, शीरो बड़े मज़े में है, खिड़की के बाहर मुँह निकाल रखा, मुझे याद है पापा जब मैं बाइक से आता हूँ ना तो भी मेरे को याद नहीं है मैं तो कितने बार बाइक से आया हूँ, मैं शीरो आराम से बैठ गया हो हाईवे आ गया ना, अब ठीक है पापा आराम से चलाओ।
दोस्तों अभी आ चुका है देवरा टोल प्लाजा, देवरा टोल प्लाजा, और अभी बज रही है 9:45। हम लोग तकरीबन डेढ़ घंटा लेट पहुंच चल रहे हैं। शीरो को अभी तक दो बार उल्टी हो चुकी है, हाईवे पे यही हुई है। आई होप अब और ना हो। चलो, और पापा बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं। काफी खूबसूरत रास्ता आया है दोस्तों देवरा टोल क्रॉस करते ही। हाँ, खड़गपुर आने वाला है। यहाँ क्या फ्लाई ओवर बन रही है क्या? नहीं, तोड़ कर रोड रिपेयर। तो हम यहाँ आने वाले हैं वसुंधरा हवेली। फॉग के कारण कांच पूरा एकदम धुंधला धुंधला आ गया है। हम लोगों ने खिड़की खोल रखी है, इसका एक अलग मजा है। तो हम आ गए हैं वसुंधरा हवेली। आओ कभी हवेली पे। आए जरा। पापा खा रहे और मैं लेटा हो। शीरो जरा शरीर थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ड्राइव कर करके टेढ़े मेढ़े हो गए अपन। क्या शीरो 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 कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ग्यारह बज के 47 मिनट्स और अभी हम लोग पहुंचे रामपुरा। इतना ज़्यादा फॉग है कि दिखाई तक नहीं दे रहा है। कैमरा में भले ही दिख रहा होगा लेकिन अभी देखो कैसे आप समझ सकते हो। डरो मत, ये कुछ नहीं दिख रहा है। मैं भी लेकिन स्मार्टली एक गाड़ी के पीछे पीछे चला रहा हूँ। तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी रखा हूँ, अगर वो ब्रेक मारे तो मुझे पता चल जाए। कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे। ये एक टोल नाका है, क्या नाम है यार? जालेश्वर। जालेश्वर। और ये रहा अपना शीरो, उसकी नाक छिल गई उल्टी करके अपने आप को करता है क्लीन उसके चक्कर में। तो अभी बज रही है एक। हम लोग 6 बजे स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी और 1 बजे हम लोग बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में पहुंचे हैं। कितना स्लो चल रहा है। 7:45 बजे। अच्छा, हाँ 6:47। चलो दोस्तों अभी हम यहाँ पे उतरे थे छोटी सी ब्रेक के लिए। शीरो को सुसु करवाए, पानी पिए और मैं हाफ पैंट में आ गया ताकि थोड़ा सा आराम से चलाऊं। ओस के कारण कुछ नहीं दिख रहा है, सीरियसली कुछ नहीं दिख रहा। इस बस को फॉलो करते हुए चलेंगे।
खूबसूरत सुबह हो रही है। अभी बज रही है 5:58, मतलब 6 बज गई है और फुल एनर्जी ऑन है अभी भी मेरी। पापा की भी, शीरो तो सो रहा है। शाम को हम लोग तकरीबन 7 बजे निकले और अभी सुबह 6 बजे हम लोग कटक पहुंचने वाले हैं। महानदी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सीधा जाना है, और विशाखापट्टनम पहुंचने में 7 घंटा 43 मिनट्स और लगने वाला है। मतलब तकरीबन 2:30 बजे ये दिखा रहा है, 4, 4:30, 5 बजे तक मुझे लग रहा है। पूरी रात मैंने ड्राइव की है। पापा सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था, तो ऑब्वियसली उनको नींद आ ही नहीं रही थी। जब कोई इंसान जो आपका को पैसेंजर है वो खुद ड्राइव करते हैं ना या जानते हैं, तो उन्हें हमेशा डर लगता है कि कहीं जो चला रहा है वो कहीं थोड़ा सा भी ब्रेक तेज हो जाए तो घबरा जाता है, समझे। मैं भी घबराता हूँ जो पापा चलाते हैं लेकिन जिसको नहीं आता ड्राइविंग वो सोचता चलाओ जैसे चलाना है वही है। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, अब मैं और नहीं चलाऊँगा फ़िलहाल के लिए। 2 घंटा मैं सोऊँगा शीरो के पास जाके। काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ। ओए अभी कितनी बज रही है, 6:52 और भुवनेश्वर पहुँच गए। शीरो और मैं वॉक कर रहे हैं फिलहाल। चल कार विच चढ़ जा पास। अच्छा आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। चल मुझे भी मेहनत कराई दिया।
क्या रस्तो है ना, पूरा पहाड़ी रस्तो, मजा आएगा। पकड़ इन्हें, पकड़ दो बिस्कुट, बिस्कुट कुछ खाई? नहीं नहीं पार्वती माँ। मुर्गी सिरो सिरो, मुर्गी सिरो, मुर्गा 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 खाता है ना तू? कभी कच्चा खाएगा क्या? अरे कच्चा मुर्गा खाएगा के? इधर से इधर से इधर से। छोटी छोटी मुर्गियां को देख रहा है सिरो। कच्ची खाता है क्या तू? और पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं पेट्रोल भराने। हम लोग अभी इसी ढाबे में खाना खाए हैं, बहुत अच्छा लगा। ओ शिरो बहुत बदमाशी कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग एक होटल में आ चुके हैं। हमारा रूम ये है। वाह काफी बड़ा है। ओहो रेडी, रूम तो काफी बड़ा है शिरो के खेलने के लिए। ये सही है, लेकिन दोनों में एसी है, वहाँ पे हॉल में भी और यहाँ पे भी। इसमें क्या है? अरे बाप रे, ये बाथरूम है इतना बड़ा। ओह बाथरूम से क्या नज़ारे हैं। शिरो को इधर ही सुसु पॉटी करवाएंगे। तो यहाँ दो बाथरूम है, एक रूम है और एक और छोटा रूम है, यहाँ शिरो सोएगा। लगाओ भाई पापा कोई अच्छी टीवी में, कोई धुएंदार धांसुदार। दोस्तों पापा और शिरो अभी घर होटल में हैं, होटल रूम में। मैं एक चीज़ को देख कर अट्रैक्ट हो गया था, तो उसी चीज़ के बहुत नज़दीक आ गया हूँ। मैं बचपन से ना एक मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो मैं बचपन से एक ड्राइंग बनाता था। इत्तेफाक से मुझे वो फर्स्ट टाइम देखने मिल गया, मेरे को पता नहीं था इस तरह का कुछ है। सीरियसली ये देखिए, ये जो मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, इस तरह से मैं बनाता था। पर एक चीज़ थी कि नीचे से नदी बह रही होती थी और वहाँ गाय रहती थी, तो मैं काफ़ी क्रिएटिव भी हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं अच्छा स्केच भी करता हूँ।
रास्ता तो है ही नहीं, ये देखने के लिए मैं कहाँ आ गया पहाड़ के ऊपर। अरे बाप रे, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा इसकी ऊंचाई कितनी है, पूरा टिल्टेड है। कोई बात नहीं, काफी थके होने के बाद पापा और शीरो सो रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है शीरो और पापा भी दोनों के दोनों सो रहे हैं साथ में। अब मैं भी सोता हूँ, गुड नाइट।